खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां करवा चौथ के व्रत को लेकर महिलाएं उत्साहित हैं। इसके साथ ही महिलाएं पूजन और श्रृंगार का सामान खरीदने दुकानों पर पहुंच गई हैं। आपको बता दें कि कल करवा चौथ पर महिलाएं व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना करेंगी। आज एक दिन पहले ही महिलाएं खरीदारी करने और हाथों में मेहंदी लगाने के लिए बाजारों में पहुंच गई हैं। वहीं करवा चौथ पर बाजारों में श्रृंगार पूजन आदि का सामान बेचने वाली महिला दुकानदारों का कहना है कि इस बार पहले की अपेक्षा उत्साह कम रहा। इसका कारण यह है कि यहां से अधिकतर लोगों का पलायन हो रहा है और बाहरी शहरों से भी लोग खरीदारी कर रहे हैं, जिसका सीधा असर स्थानीय दुकानदारों की आर्थिकी पर पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। सर बहुत, पहले तो जितना भीड़ भाड़ थी अब तो बिल्कुल भी नहीं है। कस्टमर भी अब उस हिसाब से नहीं आते हैं जैसे पहले था। यहाँ रुद्रप्रयाग का मार्केट अब तो बहुत मंदा हो चुका है काम। अब बाकी इसलिए लोगों को रोडों पे आना पड़ रहा है कि काम वगैरह ठीक ठाक से चल जाए। बोल जैसे करवा चौथ को व्रत सभी माँ बनी हो तो दुकान में खरीदारी करना छे ना, और जब यहाँ उत्साह माहौल पहली रन छो तब यहाँ बहुत कम से, किले की पैसों भी थोड़ा लाचारी थे। दूसरा में जब बेटी बारी होते धान से फुर्सत नहीं थी तो थोड़ा बहुत आना छे ना, और खरीदारी करना छे ना। तो बहुत बहुत बधाई सभी माँ बनी होते।